इस देश के पालन के लिए अन्नदाता बनकर के धरती के सीनी को चीरकर अपने खून को पसीना की तरह बहाकर आज पूरे देश के लालन के लिए पालन के लिए अपना काम करता रहता है। न जवान कभी हड़ताल करता है, न किसान कभी हड़ताल करता है, बाकी तो सबके साथ हड़ताल करते हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन जिस दिन इन दोनों ने हड़ताल कर दी तो देश का क्या होगा, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। न किसान हड़ताल करेगा, न जवान हड़ताल करेगा। जैसा मैंने कहा, ये लोग कभी हड़ताल नहीं करते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखें। बंधुओं, छोटी छोटी सी बातें आपके बीच में करना चाहता हूँ। देश का वातावरण कैसा है, मैं जगह जगह मैं पूरे प्रवास पर गया हूँ। अधिसूचना चुनाव की जारी करने के बाद मुझे जाना ही था सब जिलों में सूचना करने के लिए, इसलिए प्रदेश के लगभग सब जिलों में होके आया हूँ मैं। और वहां जाकर के कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने विषय रखा है, आप में से बहुत से कार्यकर्ता उस बैठकों में रहे होंगे। मैंने कहा कि चार प्रकार के नर होते हैं। एक नर वो होता है जो केवल खाता है और सोता रहता है, उसे दुनिया की और समाज की कोई चिंता नहीं है। एक नर पशु होता है, एक नर पशु वो होता है, हम जानते हैं किसान हैं कि जानवर को बांध के रखते हैं, अपना खाने के बाद अपने सींग की दम पर दूसरे पड़ोस से बंधे हुए जानवर का भी खाता है। ऐसे लोग भी समाज में नर पशु के रूप में आज देखने को मिलते हैं। और तीसरे हैं नर राक्षस, ये वो निश्चित कौन के लोग हैं। ये नर राक्षस वो है कि इनके पास पहले से इतना है कि खुद का ही इतना खा नहीं सकते, लेकिन उपज हो रही है खुद की, फिर भी दूसरे का हड़प के खाने की इच्छा रखते हैं। और इनका उनका हड़पते हैं जिनके पास अभाव है, जो गरीब है उसका हड़पते हैं, क्योंकि बराबर वाले का हड़पेंगे तो वो ठिकाने लगा देगा। इसलिए गरीब की योजनाओं पर, किसान की योजनाओं पर ही छापे पड़ते हैं, उन पर उनको ही ब्रेक लगता है। मैं आपसे पूछता हूँ, भ्रष्टाचार कहाँ होता है? कभी किसी ने पढ़ा है, कभी किसी ने सुना है किसी किसान ने भ्रष्टाचार किया हो? कभी नहीं ऐसा होता। ये पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को ज्यादा अनुभवी कहते हैं, ये वही लोग भ्रष्टाचार करते हैं। किसान तो कभी भ्रष्टाचार नहीं करता, और इसलिए किसान और जवान ये दो लोग कभी हड़ताल नहीं करते, क्योंकि इनके आंखों में वैभव के सपने पकड़े तूफानों की गति है। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत है, जो हिम्मत वाला है वो कदम मिलाकर खड़ा रहेगा साथ में। निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ का जो लक्ष्य है हम उस पर पहुंचेंगे। एक मित्र मुझे मिला अभी भोपाल में आए, नया हूं मैं, भारतीय किसान संघ का दायित्व भी मेरे लिए नया है। एक ने कहा मुझसे आकर के, भाई साहब किसान संघ भटक गया है क्या? मैं अपनी कुछ अनुभव बता रहा हूँ जो लोगों ने भोपाल में मुझसे कहे हैं। मैंने कहा ना, किसान संघ तो नहीं भटका है। बोले आप कहते हैं कि नहीं भटका है। हमने कहा कुछ लोग भटक जाने से किसान संघ नहीं भटका है।